स्वागत है आपका आपकी अपनी केमिस्ट्री की क्लास में। हमने स्टार्ट किया था लास्ट वीडियो में वैद्युत रसायन चैप्टर 3, ठीक है ना। फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि जो विद्युत अपघटनी सेल होते हैं और विद्युत रासायनिक सेल क्या होते हैं, उनमें एनोड और कैथोड का क्या मीनिंग होता है। बच्चों देखो, वो बिल्कुल बेसिक्स था। और इस वीडियो में भी आपको कुछ मैं आपको बेसिक चीज़ें बताऊँगी। बहुत ईजी चैप्टर है ये, बहुत ईजी। लेकिन ये दो वीडियोस में जो मैं आपको बेसिक्स बताऊंगी, इन बेसिक्स को अगर आपको समझ में आ गया तो आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कहीं भी किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है ना। ठीक है, ध्यान से वीडियो को देखते जाइए, ध्यान से देखते हुए कंटेंट को समझते जाइए और अपने आप इसमें देख कर नोट्स को बनाते जाइए और केमिस्ट्री को एन्जॉय करते जाइए, ठीक है ना। तो अब हम इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे। अब विद्युत चालक हमने ये चीज़ देखी थी कि जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होते हैं, यानी कि विद्युत अपघटनी सेल होते हैं या विद्युत रासायनिक सेल होते हैं, उनमें इलेक्ट्रॉनों का आवागमन तो होता है, ठीक है ना। विद्युत धारा का प्रभाव तो तभी होगा। तो इलेक्ट्रॉनों के आवागमन के लिए यहाँ ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाएँ होती हैं। तो ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाओं के कारण ही वहाँ विद्युत धारा का प्रवाह होता है, ठीक है ना। अब यहाँ हम सबसे पहले उन सेलों में जो काम में आने वाले विद्युत चालक होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, वो कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है ना बच्चों। और पहले हमें डिस्कशन करना है विद्युत अपघटनी सेलों का। तो इस वीडियो में हम विद्युत अपघटन की क्रियाविधि के बारे में और पढ़ेंगे। बस दो ही चीज़ें देखेंगे हम, विद्युत चालक क्या होते हैं और विद्युत अपघटनी सेलों की जो मेन चीज़ है, मेन सोल है, विद्युत अपघटन की अभिक्रिया, उसको हम यहाँ पर समझेंगे, ठीक है। ध्यान से समझना, बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत सिंपल चीज़ है, ठीक है ना। देखो, स्टार्ट करते हैं विद्युत चालक से। विद्युत चालक क्या होता है? विद्युत चालक का मतलब होता है वे पदार्थ जो विद्युत धारा का चालन करते हैं, ठीक है ना। विद्युत चालक यानी विद्युत तक को चलाने वाले, ठीक है ना। तो विद्युत को चलाने के लिए कब, लेकिन ठोस रूप में या गलित रूप में या विलयन अवस्था में, किसी भी रूप में हो सकते हैं, चाहे वो ठोस हो सकते हैं। जैसे हमने देखा है कि हमने घरों में इलेक्ट्रिसिटी की जो फिटिंग होती है, विद्युत, उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है ना, ठीक है। वो जो फिटिंग होती है तो तारों की होती है। तार किस रूप में होते हैं? गलित अवस्था में होते हैं, ठोस अवस्था में होते हैं, विलयन अवस्था में होते हैं, पता है ना। बिल्कुल, ठोस अवस्था में होते हैं, तो वो तो गई ठोस अवस्था में। गलित रूप में या विलयन अवस्था में, ये दो चीज़ें मैंने आपको बताई थी। विद्युत अपघटनी सेल में गलित रूप में बताया था और विद्युत रासायनिक सेल में मैंने आपको विलयन अवस्था में बताया था, ठीक है ना। तो किसी भी रूप में जब विद्युत धारा का चालन करते हैं तो नहीं, हम विद्युत धारा के चालक या विद्युत चालक कहते हैं, ठीक है ना। अब ये जो चालक होते हैं, विद्युत के चालक, वो ठोस रूप में अगर विद्युत धारा का चालन करेंगे तो वो इलेक्ट्रॉन के रूप में करेंगे हमेशा। ठोस रूप में विद्युत धारा का चालन किस रूप में होगा? इलेक्ट्रॉन के रूप में। जबकि गलित रूप में या विलयन अवस्था में जब विद्युत धारा का चालन होगा तो वो किस रूप में होगा? आयन के रूप में, ठीक है ना। तो यहाँ जो आवेश के वाहक हैं या जो इलेक्ट्रॉन के चलाने वाले हैं, विद्युत धारा के चलाने वाले हैं, वो दो प्रकार के हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन के कारण और आयन के कारण। तो हमने इस आधार पर इन चालकों को तीन भागों में बांटा है। वास्तव में कारण तो दो हैं लेकिन प्रकार हो गए तीन। कौन कौन से? देखिए, तीन प्रकार कौन से? सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक या धात्विक चालक। इलेक्ट्रॉनिक यानी जिसमें चालकता का कारण कौन होंगे? इलेक्ट्रॉन। जिनमें मुक्त जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ही जब प्रवाहित होते हैं तो इलेक्ट्रॉनों का चालन होता है, तो उन्हीं को हम इलेक्ट्रॉनिक चालक कहते हैं। और इन्हीं को धात्विक चालक भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि धातुएं क्या होती हैं? जो इलेक्ट्रॉन त्यागती हैं, ठीक है ना, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन उत्पन्न करती हैं। तो धातुओं में हमेशा जो विद्युत धारा का चालन होता है वो हमेशा मुक्त इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के कारण होता है। अर्थात इनमें चालकता का कारण क्या है? मुक्त इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। चालकता जब इनमें आती है, जैसे ये बिल्कुल तार हैं जो अपने घरों में लगे होते हैं ना, फिटिंग में तार, जब उनमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है, उनमें किसी तरह का कोई परिवर्तन होता है क्या? कुछ नहीं होता, वो जैसे हैं वैसे ही रहते हैं, ठीक है ना। तो चालकता के कारण इनमें कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होता। और ये जो पदार्थ होते हैं, ये ठोस रूप में भी चालन कर सकते हैं जैसे तारों के रूप में कर रहे हैं, और द्रव रूप में भी चालन कर सकते हैं, यानी कि अगर इनको हम पिघला लें और पिघलाने के बाद उस द्रव गलित अवस्था में विद्युत धारा का चालन करना चाहें तो उसमें भी हो जाएगा, जैसे NaCl में किया था हमने, ठीक है ना। तो ये ठोस और द्रव दोनों ही अवस्थाओं में चालकता उत्पन्न कर सकते हैं। बस एक विशेषता ये है जो हमने पहले भी पढ़ रखा है, जो विद्युत के चालक होते हैं, चालकों का की चालकता हमेशा ताप बढ़ाने पर घटती है। क्यों घटती है, याद है बच्चों? क्योंकि ताप बढ़ाने पर इनमें कंपन बढ़ने लगते हैं, जिससे आंतरिक प्रतिरोध बढ़ जाता है और चालकता घट जाती है, ठीक है। सभी धातुएं इसकी उदाहरण है। साथ में ग्रेफाइट, अपवाद में पढ़ाया मैंने हमेशा, ग्रेफाइट भी इलेक्ट्रॉनिक या धात्विक चालकों में ही आता है, ठीक है ना। तो पहले तो प्रकार हो गया जिसमें धारा का चालन किसके कारण हो रहा था? इलेक्ट्रॉनों के कारण। अब दूसरे चालक होते हैं जिनमें धारा का प्रभाव होगा आयनों के कारण, तो उनको हम कहते हैं आयनिक या विद्युत अपघटनी चालक, ठीक है ना। तो देखिए, चालकता किसके कारण हुई? आयनों के कारण। अब आयन कब उत्पन्न होते हैं? आयन उत्पन्न होते हैं जब किसी विद्युत अपघट्य को या किसी पदार्थ का आयनन होता है,
ठीक है ना। तो यहाँ जब आयनन होगा तो का क्या होगा, वो पदार्थ अपघटित हो जाएगा। तो यहाँ चालकता के कारण जो इन जब इनका इनके जो यो यौगिक होते हैं या ये जो पदार्थ होते हैं चालकता के लिए आयनों को उत्पन्न करते हैं। तो आयनों को उत्पन्न करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इनका अपघटन करना पड़ेगा यानी आयनन करना पड़ेगा, ठीक है। और उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, विद्युत अपघटन कहते हैं, ठीक है ना। यानी चालकता के कारण इनका अपघटन हो जाता है जिसे हम विद्युत अपघटन कहते हैं। याद रखना, अभी जो इससे पहले हमने धात्विक चालक पढ़े थे उनमें किसी प्रकार का कोई अपघटन या कोई परिवर्तन नहीं होता, ठीक है ना। दूसरी बात क्या है कि ठोस अवस्था में कभी भी विद्युत धारा का चालन नहीं करते, ठीक है ना। जैसे हमने ठोस NaCl ले लिया, अगर तो NaCl में कभी भी विद्युत धारा का चालन नहीं होगा। हमें या तो NaCl को पिघलाना पड़ेगा यानी गलित अवस्था बनानी पड़ेगी, या विलयन अवस्था बनानी पड़ेगी। तो ये केवल गलित या विलयन अवस्था में ही चालकता उत्पन्न करते हैं, ठीक है ना। और ताप बढ़ाने पर इनका उल्टा है, धातुओं में या धात्विक चालकों में मैंने आपको बताया था कि ताप बढ़ाने पर चालकता घटती है, लेकिन यहाँ बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी, कि जैसे जैसे हम ताप बढ़ाएंगे वैसे वैसे इनका अपघटन ज़्यादा होगा। अपघटन ज़्यादा होगा तो आयनन ज़्यादा होगा, ज़्यादा आयन उत्पन्न होंगे, ज़्यादा आयन उत्पन्न होंगे तो चालकता भी लगातार बढ़ती जाएगी, ठीक है ना। इसमें सभी विद्युत अपघट्य आ जाते हैं, सभी विद्युत अपघट्य, ठीक है। जितनी भी हमने इलेक्ट्रोलाइट पढ़े, NaCl, KCl, अम्ल, क्षार, लवण, सभी इस श्रेणी में आ जाते हैं, ठीक है ना। तो देखो, पहले चालक तत्व तो वो थे जिनमें इलेक्ट्रॉनों का चाल इलेक्ट्रॉनों की गति के कारण विद्युत धारा प्रवाहित हो रही थी। दूसरे चालक वो हैं जिनमें आयनों की गति के कारण चालक तो उत्पन्न हो रही है। अब तीसरे चालक वो हैं जिनमें दोनों ही के कारण, यानी कि मिश्रित प्रकार के चालक हो गए जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन भी होंगे और आयन भी होंगे, जिनके कारण चालकता उत्पन्न होगी, ठीक है। वो हो गए मिश्रित चालक, ठीक है। मिश्रित चालक का मतलब हो गया वे चालक जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉन तथा आयन दोनों के कारण होता है, ठीक है। अब मिश्रित चालक कैसे बनेगा भाई, ऐसा कैसे पॉसिबल है कि इलेक्ट्रॉन भी हो और आयन भी हो। देखिए, इसका उदाहरण अपन एस ब्लॉक में पढ़ चुके हैं वैसे इसे 11th में। जैसे जब हम सोडियम को द्रव अमोनिया में घोलते हैं, सोडियम जब द्रव अमोनिया में घोला जाता है तो सोडियम का आयनन होता है, एनी प्लस बनता है और इलेक्ट्रॉन बनते हैं। तो ये सोडियम प्लस आयन और इलेक्ट्रॉन दोनों ही अमोनिया के साथ अलग अलग संकुलों का निर्माण कर लेते हैं, तो इनमें आयन उत्पन्न हो गए, ठीक है। जब जैसे यहाँ ये तो एनी प्लस आयन बन गया और इलेक्ट्रॉन भी है, तो यहाँ ये एनी प्लस और इलेक्ट्रॉन दोनों ही विद्युत धारा का चालन करने के लिए उत्तरदायी होंगे। तो इसमें चालकता का कारण इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे और आयन भी होंगे, ठीक है। अब ये चालकता इसमें उत्पन्न हुई है या मुक्त इलेक्ट्रॉन है, ये देखने में तो हमें लग रहा है आप कहोगे मैडम ये तो इलेक्ट्रॉन तो इसमें संकुल में बंद हो गया, और आपने बताया है कि जो चीज़ संकुल में यानी समन्वय मंडल में बंद हो जाती है वो कभी मुक्त नहीं होती, ठीक है ना। तो इस बात का पता चला है कि यहाँ इलेक्ट्रॉन मुक्त रूप में भी रहते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो स्थिर हो ही नहीं सकता ना, उसके तो चक्कर की गति है। तो ये इससे पता चलता है कि ये जो यौगिक, ये जो विलयन बनता है ना, जब सोडियम को द्रव अमोनियम में घोलते हैं नीले रंग का हो जाता है, ठीक है। और इनकी जब चुंबकीय गुणों को देखा गया तो ये अनुचुंबकीय भी होता है। तो इसका नीले रंग का होना और इसका अनुचुंबकीय होना ये प्रदर्शित करता है कि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन भी पाए जाते हैं, ठीक है ना। समझ में आ गई चीज़। तो चालकता के कारण हैं दो, या तो आयन या इलेक्ट्रॉन, कभी कभी दोनों भी एक ही साथ उत्पन्न हो सकते हैं, ठीक है ना। समझ में आ गई चीज़। यानी कि मुख्य बात ये हुई कि या तो चालकता होगी धातुओं के कारण या होगी कुछ रसायनों के कारण। अब धातुओं की चालकता को तो हम सेल में नहीं पढ़ते, ठीक है ना। हम यहाँ सेल के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हमें विद्युत अपघट्य चाहिए यानी वे पदार्थ चाहिए जो विद्युत धारा का चालन करेंगे, रासायनिक पदार्थ धातुओं के अलावा। तो हम मैं आपको छोटी सी चीज़ बता रही हूँ इसमें, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। वो क्या है, वो ये है कि विद्युत अपघट्य क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है ना। और बोर्ड में भी पूछने इस वीडियो को अगर आप समझ जाएंगे ना, तो आपका कम से कम एक नंबर तो फिक्स है। 3 नंबर का चैप्टर है ये, 3 नंबर के क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर में से, तो एक नंबर तो इसमें से आएगा ही आएगा, ठीक है ना। क्या है कि पदार्थ, जो भी पदार्थ है उसको विद्युत अपघटन के आधार पर हम 2 भागों में बांटते हैं। जिनका अपघटन हो जाता है उन्हें तो कहते हैं विद्युत अपघट्य, और जिनका अपघटन नहीं होता यानी विद्युत धारा प्रवाहित कर दो उनमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उन्हें हम कहते हैं विद्युत अनअपघट्य, ठीक है ना। इलेक्ट्रोलाइट्स और नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। अब पहले नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स को उदाहरण देखते हैं, ठीक है ना। यूरिया, शर्करा यानी कि चीनी, ग्लूकोज, एल्कोहल, ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये सारे ऑर्गेनिक है ना। ये सब जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है इनका विद्युत, इन पर विद्युत धारा का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो इनको तो कहते हैं हम विद्युत अनअपघट्य, यानी इनका इस चैप्टर में कोई काम नहीं है। क्योंकि जिनका जो विद्युत अनअपघट्य है यानी जिसका आयनन ही नहीं हो रहा, वो हमारे सेलों में किसी काम का नहीं है, ठीक है ना। तो इनको तो हम कर देते हैं अब आउट। अब अपन बात करेंगे अपने काम की बात की, जो है विद्युत अपघट्य। हमें इस चैप्टर में विद्युत अपघट्य चाहिए, ठीक है ना। विद्युत अपघट्य क्या होते हैं, जो अपघटित हो जाते हैं,
ठीक है ना। अब अपघटित तो सब जो विद्युत अपघट्य हो जाएंगे, लेकिन सबके विद्युत अपघटन करने की क्षमता जो होती है वो अलग अलग होती है, किसी की कम किसी की ज्यादा। जिसे मैंने आपको कल डेली सेल में बताया था कि किसी धातु की इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है ज़्यादा, किसी धातु की होती है कम, सबकी अपनी अपनी टेंडेंसी है, ठीक है ना। बिल्कुल उसी तरीके से विद्युत अपघटन अब भी होता है, तो किसी का तो विद्युत अपघटन बहुत ज़्यादा होता है, किसी का विद्युत अपघटन बहुत कम होता है। तो इस आधार पर कि अपघटन कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है, हमने विद्युत अपघट्यों को फिर दो भागों में बांट दिया, प्रबल विद्युत अपघट्य और दुर्बल विद्युत अपघट्य, ठीक है ना। प्रबल विद्युत अपघट्य का क्या मीनिंग है? प्रबल विद्युत अपघट्य का मीनिंग है जो जैसे ही हम पानी में घोलेंगे उसको वो 100% आयनित हो जाएगा, ठीक है ना। और दुर्बल किसे कहेंगे? जो 100% आयनित नहीं होगा, हो सकता है 20% आयनित हो जाए, हो सकता है 30% आयनित हो जाए, हो सकता है 40% हो जाए, लेकिन 100% कभी भी नहीं होगा, ठीक है ना। तो आयन की मात्रा के आधार पर दो भागों में बांट दिया हमने, ठीक है। विद्युत अपघट्य जो होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं, अम्ल, क्षार और उनसे बने लवण। तो ये विद्युत अपघट्य भी हमारे तीन प्रकार के हो गए, प्रबल अम्ल जैसे HCl, H2O4SN3, प्रबल क्षार यानी कि NaOH, KOH आदि, और उनके लवण यानी कि प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार से बने लवण भी हो सकते हैं, या प्रबल अम्ल का दुर्बल के साथ या प्रबल क्षार का दुर्बल अम्ल के साथ बना हुआ लवण भी हो सकता है। जैसे देखो NaCl और K2SO4, ये तो है प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार से बने हुए लवण। NH4Cl में दुर्बल क्षार और प्रबल अम्ल है। CH3CONa में प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार है। याद है ये अपने आयनिक साम्य वाले चैप्टर में अब ये विभिन्न प्रकार के लवण और उनके अपघटन पढ़े हैं, उन्हीं से रिलेटेड चीज़ें वहाँ ये सारी चीज़ें पढ़ने पड़े, मैं आपको रिवाइज करवा रही हूँ। ये आपने 11th में सब कुछ पढ़ लिया है कि प्रबल विद्युत अपघट्य कौन कौन से हैं, दुर्बल विद्युत अपघट्य कौन कौन से हैं, ठीक है ना। लेकिन ये जो एग्जाम्पल हैं, ये दो दो तीन तीन एग्जाम्पल, इनको आप हमेशा याद रखना, इन्हीं से आपका काम चल जाएगा। किसी भी तरह का क्वेश्चन हो आप इसको आसानी से अटैम्प्ट कर लेंगे, ठीक है ना। दुर्बल विद्युत अपघट्य भी तीन प्रकार के हो गए, दुर्बल अम्ल, दुर्बल क्षार और उनके लवण। दुर्बल अम्ल में तीन अम्ल याद रख लें आप, बहुत काम आसानी से काम चलेगा आपको। एसिटिक एसिड, जिसको अपन सिरका भी कहते हैं, दुर्बल अम्ल है। कार्बोनिक एसिड H2CO3, ठीक है, और HCN हाइड्रोसाइनिक एसिड, ये तीनों ही दुर्बल अम्ल है। दुर्बल क्षार में चाहे आप एक ही याद रख लें, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, से भी आपका काम चल जाएगा, ठीक है ना। अमोनियम हाइड्रोक्साइड या बेरियम हाइड्रोक्साइड, ये भी दुर्बल अम्ल है। और उनके लवण अमोनियम एसीटेट, अमोनियम दुर्बल क्षार से आया है, एसीटेट दुर्बल अम्ल से आया है, तो इनका लवण हो गया NH4CN, NH4 दुर्बल क्षार से आया है, CN दुर्बल अम्ल से आया है। अमोनियम कार्बोनेट, अमोनियम क्षार दुर्बल क्षार से आया है, कार्बोनेट दुर्बल अम्ल से आया है। ये सभी विद्युत अपघट्य दुर्बल हैं, और ये वाले विद्युत अपघट्य अपघट्यों की चालकता को प्रभावित करने वाले कारक। कि विद्युत अपघट्य चाहे दुर्बल है चाहे प्रबल है, उस दुर्बल या प्रबल विद्युत अपघट्य का जब हम विद्युत अपघटन करवाते हैं तो उसके कारण उस विलयन की चालकता घटती है या बढ़ती है, क्या होता है, ठीक है। मुख्य रूप से पांच कारक हैं यहाँ जो चालकता को प्रभावित करते हैं, ठीक है। सबसे पहला कारक है विद्युत अपघट्य की प्रकृति, मतलब कि विद्युत अपघट्य प्रबल है या दुर्बल है। प्रबल का मतलब क्या हुआ? जिसका आयनन ज़्यादा हो रहा है। दुर्बल का मतलब क्या हुआ? जिसका आयनन कम हो रहा है। तो जब आयनन ज़्यादा होगा तो आयनों की मात्रा ज़्यादा होगी, आयनों की संख्या या आयनों की मात्रा ज़्यादा होगी, तो इलेक्ट्रॉन को प्रवाह करने वाले जो कारक हैं, आयन हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रवाहित होंगे, तो चालकता ज़्यादा होगी, उच्च होगी, ठीक है ना। ऊपर वाला जो तीर है ये हाई उच्च प्रवृत्ति को दिखाता है, और नीचे वाला जो तीर है वो निम्न प्रवृत्ति को दिखाता है। और जब दुर्बल विद्युत अपघट्य होंगे तो उनका आयनन कम होगा, आयनन कम होगा तो आयनों की संख्या कम होगी, इसलिए चालकता भी कम होती चली जाएगी, ठीक है ना। समझ में आ गई चीज? सबसे पहला कारण है दुर्बल और प्रबल विद्युत अपघट्य, जो अभी मैंने आपको समझाए थे। दूसरा कारण है आयनों का विलायकीकरण। अब देखिए आयनों का विलायकीकरण कैसे होता है? विलायकीकरण का मतलब होता है कि जब हम किसी विलेय को किसी विलायक में घोलते हैं तो उनके मध्य कितने आकर्षण बल कार्य करते हैं। अगर आकर्षण बल ज़्यादा कार्य कर रहे हैं तो हम कहेंगे कि उसका विलायकीकरण अच्छा होता है, यानी मिक्स हो जाना। जैसे हम कहीं नई जगह जाते हैं तो नई जगह जाते हैं, अगर हमें हमारे नेचर के लोग कोई मिलते हैं तो वहाँ अपनी फ्रेंडशिप अच्छी हो जाती है, अपन कहते हैं वहाँ अच्छी तरह घुल मिल गए, ठीक है ना। यानी हम कहें कि अच्छी तरह घुल मिल गए, इसका मतलब हमारा विलायकीकरण हो गया। लेकिन अगर वहाँ हमारा मन ही नहीं लगा, किसी से बात करने का मन नहीं करता, सबका नेचर ये लगे, तो हम क्या कहेंगे? वहाँ घुले मिले नहीं, हमारा मन ही नहीं लगता, इसका मतलब क्या हुआ? वहाँ विलायकीकरण बहुत कम हुआ। समझ में आ गई ना चीज़? तो विलय और विलायकणों के मध्य आकर्षण बल ज़्यादा होते हैं तो हम ये कहते हैं विलायकीकरण ज़्यादा होता है, और आकर्षण बल कम होते हैं तो हम ये कहते हैं विलायकीकरण कम होता है, ठीक है ना। अब देखो उसका चालकता पे क्या प्रभाव पड़ेगा? अगर आकर्षण बल ज़्यादा है तो विलायकीकरण ज़्यादा है, क्लियर चीज। आकर्षण बल कम है तो विलायकीकरण भी कम है। अब देखिए जब विलायकीकरण हो गया तो जित जो आयन थे विलायक के, वो विलायक के साथ बंध गए आकर्षण बल के द्वारा, बंध गए, और बंध गए तो उनका प्रवाह आसानी से होगा या नहीं होगा?
नहीं होगा क्योंकि तो बंध गए ना, ठीक है। जब हम उनको बांध देंगे तो वो मुक्त रूप से प्रवाह नहीं कर पाएंगे, और जब मुक्त रूप से प्रवाह ही नहीं कर पाएंगे तो चालकता उनकी कम हो जाएगी। क्लियर बच्चों? कि विलायकीकरण की मात्रा ज़्यादा होगी तो विलेयक की जो आयन है वो विलायक के अणुओं के साथ बंध जाएंगे, और बंध जाएंगे तो मुक्त रूप से प्रवाहित नहीं हो पाएंगे, तो उनकी चालकता कम हो जाएगी, ठीक है ना। और अगर विलायकीकरण बहुत कम हुआ है, आकर्षण बल है ही नहीं, ठीक है ना, आकर्षण बल नहीं है तो विलेय कैसे मुक्त हैं, उनका किसी से कोई बंधन ही नहीं हुआ। बंधन नहीं हुआ तो आसानी से मुक्त रूप से गति कर सकते हैं, और मुक्त रूप से गति करेंगे तो उनकी चालकता भी बढ़ जाएगी। क्लियर हो गया बच्चों? अविलायकों का आयनों का विलायकीकरण। तीसरा अपना कारक है विलायक की श्यानता, ठीक है ना। अब श्यानता क्या होती है? श्यानता का मतलब होता है द्रव के बहने का गुण या घर प्रतिरोध करने का गुण। हम ये कहते हैं कि कोई द्रव बहुत गाढ़ा है तो वो बहुत ज़्यादा श्यान है, ठीक है ना, और द्रव पतला है इसका मतलब वो कम श्यान है, ठीक है ना। और ये चीज़ आपको समझ में आ रही है कि अगर मान लो कोई गाढ़ा द्रव है, जैसे अपन बात करें शहद की, शहद में अगर मान लीजिए अपन एक लोहे की गोली डालें, ऊपर से नीचे वो जाएगी तो धीरे 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 बैठेगी, और लोहे की गोली को अगर अपन पानी में डालें तो वो तुरंत नीचे बैठ जाएगी, तुरंत पहुंच जाएगी। क्यों? क्योंकि शहद की श्यानता ज़्यादा है, पानी की श्यानता कम है। तो लोहे की गोली, उसको प्रवाहित होने में, गाढ़े विलयन में ज़्यादा दिक्कत आ रही है, तो आयनों को भी तो दिक्कत आएगी। तो किसी भी विलयन की श्यानता जितनी ज़्यादा होगी, उसमें आयनों के लिए जो घर्षण बल उत्पन्न होगा वो उतना ही ज़्यादा होगा। घर्षण बल जितना ज़्यादा होगा, आयनों को गति करने में उतनी ज़्यादा बाधा आएगी। तो जब आयन आसानी से गति ही नहीं कर पाएंगे तो उनकी चालकता कम हो जाएगी, ठीक है। अर्थात श्यानता ज़्यादा होती जाएगी तो विलयन की चालकता कम होती जाएगी। समझ में आ गई चीज़, ठीक है। अब अपन बात करते हैं अगला कारक, विलयन की सांद्रता, ठीक है। सांद्रता का मतलब हो क्या हुआ? सांद्रता का मतलब हुआ कि विलयन में हमने अपघटक कितना डाल रखा है, कम है या ज़्यादा है। ज़्यादा होता है तो हम कहते हैं विलयन सांद्र है, कम होता है तो हम कहते हैं विलयन तनु है, ठीक है ना। अब देखिए, जब हम ये यहाँ सांद्रता जो होती है भी चालकता के व्युत्क्रमानुपाती होती है, सांद्रता ज़्यादा तो चालकता ज़्यादा। अब दिमाग में आता है सांद्रता ज़्यादा यानी हमने ज़्यादा विद्युत अपघट्य घोल रखा है, तो जब ज़्यादा विद्युत अपघट्य घोल रखा है तो उसमें ज़्यादा आयनन होने चाहिए, ज़्यादा आयन होने चाहिए, और ज़्यादा आयन होने चाहिए तो चालकता भी ज़्यादा होनी चाहिए। लेकिन नहीं बच्चों, हमने पढ़ा है ओस्टवाल्ड का तनुता नियम, ठीक है ना। वो क्या कहता है कि विलयन की सांद्रता जब बढ़ती जाएगी तो हम ये बात ठीक है कि आयनन की मात्रा बढ़ेगी, लेकिन ये आयनन जो है उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। जितनी ज़्यादा आयन बनेंगे वो आयन वापस अपनी उदासीन अवस्था में परिवर्तित हो जाएंगे। क्या मतलब है इसका? जैसे कोई विद्युत अपघट्य है ए बी, ठीक है, ये आयनित होता है ए प्लस में और बी माइनस में। अब ये एज्यूम कीजिए कि यहाँ पहले ही इसकी मात्रा बहुत कम है, विलयन में बहुत कम घुला हुआ है, कम घुला हुआ है तो ये ए प्लस में बदलेगा और बी माइनस में बदलेगा, और विलयन में मात्रा इसकी कम है, इसका मतलब विलयन कैसा है? तनु। तनु विलयन होगा तो विलायक ज़्यादा होगा, यानी विलायक ज़्यादा होने की वजह से ये ए और बी आयन जो होंगे वो दूर दूर रहेंगे, दूर दूर रहेंगे तो आयनित तो होते जाएंगे। लेकिन अब हमने इसमें ए बी की मात्रा बढ़ा दी, बढ़ा दी यानी कि इस विलयन को कैसा कर दिया, अब हमने सांद्र, सांद्र कर दिया, तो ए प्लस और बी माइनस तो बनेंगे, लेकिन इसकी सांद्रता ज़्यादा होने की वजह से इनकी संख्या ज़्यादा होगी। अब जब इनकी संख्या ज़्यादा होगी तो लशातलीय का नियम काम करेगा, उत्क्रमणीय प्रक्रम है, तो जैसे जैसे उत्पाद की सांद्रता बढ़ती जाएगी ये पुनः अभिकारक में परिवर्तित होता जाएगा, यानी ए प्लस और बी माइनस मिलकर वापस ए बी में परिवर्तित हो जाएंगे, यानी हम कहेंगे वियोजन की मात्रा घट जाती है, ठीक है। यानी सांद्र विलयन में वियोजन की मात्रा कम होती है और तनु विलयन में वियोजन की मात्रा ज़्यादा होती है। समझ में आ गया ना? तो हम यहाँ ये कह रहे हैं कि सांद्र विलयन में वियोजन की मात्रा कम, तनु विलयन में तनुता बढ़ाने पर वियोजन की मात्रा ज़्यादा। तो जहाँ वियोजन की मात्रा ज़्यादा वहाँ आयन ज़्यादा, जहाँ आयन ज़्यादा वहाँ चालकता भी ज़्यादा, ठीक है ना। क्लियर हो गया ना बच्चों? कि सांद्रता बढ़ाते जाएंगे तो वियोजन की मात्रा कम होती जाएगी, जिससे चालकता भी कम होती जाएगी। और अपना लास्ट फैक्टर होता है ताप, जो भी मैंने आपको बता दिया था कि ताप बढ़ाते हैं तो आयनन की मात्रा बढ़ती जाती है, ठीक है ना। और आयनन की मात्रा बढ़ती जाएगी तो आयनों की संख्या बढ़ती जाएगी, और आयनों की संख्या बढ़ती जाएगी तो चालकता भी बढ़ती जाएगी। समझ में आ गया ये कॉन्सेप्ट? कि हमें यहाँ से पता चलेगा कि कौन से विद्युत अपघट्य ऐसे होंगे जिनकी चालकता कब ज़्यादा होगी और कब उनकी चालकता कम हो जाएगी। समझ में आ गया? क्लियर? ये दो बहुत इंपॉर्टेंट की पॉइंट थे इसके। पहली चीज़ तो मैंने आपको बताया कि दुर्बल विद्युत अपघट्य और प्रबल विद्युत अपघट्य क्या होते हैं। दूसरी चीज़ मैंने आपको यहाँ बताया कि विद्युत अपघट्य की चालकता किन किन कारकों से प्रभावित होती है। अब तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताऊंगी कि विद्युत अपघटन कैसे होता है और किन किन प्रकारों से हो सकता है। अब अपन बात करते हैं विद्युत अपघटन की क्रियाविधि के बारे में, ठीक
ठीक है ना, विद्युत अपघटन की क्रियाविधि के लिए आपको विद्युत अपघटनी सेल याद करना है वापस से, ठीक है। विद्युत अपघटनी सेल क्या था, देखो मैं वापस आपको याद दिला देती हूँ, ये था विद्युत अपघटनी सेल, है ना। इसी क्रियाविधि को वापस देखेंगे अपन। विद्युत अपघटनी सेल में एक वोल्टामीटर होता है, ठीक है ना, इसमें एक ही धातु की बनी हुई दो छड़ होती हैं, है ना। इन छड़ों को हम बैटरी से जोड़ देते हैं, जिस छड़ को एक बैटरी को हम बैटरी के धन एक छड़ को बैटरी के धन टर्मिनल से और एक छड़ को बैटरी के ऋण टर्मिनल से जोड़ देते हैं। इस पात्र को हम कहते हैं वोल्टामीटर। इसमें हम कोई गलित या विलयन रूप में विद्युत अपघट्य भर देते हैं। तो जैसे गलित NaCl भरा है वो क्या है, वो है विद्युत अपघट्य, ठीक है ना। इसमें एक छड़ को हम कैथोड कहते हैं, एक छड़ को एनोड कहते हैं, और ये आपको अच्छी तरह याद होगा, मैं फिर रिवाइज करवा देती हूँ। जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण होता है उसे हम एनोड कहते हैं, और जिस इलेक्ट्रोड पर अपचयन होता है उसे हम कैथोड कहते हैं। मैंने इन दोनों को उन्हीं कलर से दिखाया ताकि आपको पहचानने में इजी रहे। ये जो ग्रीन कलर की रोड मैंने बनाई है इस पर ऑक्सीकरण हो रहा है तो इसको हम एनोड कहेंगे, जो पिंक कलर की रोड मैंने बनाई है उस पर अपचयन होगा इसे हम कैथोड कहेंगे, ठीक है ना। अब देखिए इस चीज़ को, बिल्कुल वही चीज़ है, वापस इसको देखते हैं हम। जब किसी गलित विद्युत अपघट्य या उसके विलयन को वोल्टामीटर में लेकर एनोड व कैथोड लेकर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो विद्युत अपघट्य का अपघटन होता है, फलस्वरूप धनायन व ऋणायन बन जाते हैं, ठीक है ना। जैसे हमने पढ़ा था NaCl के लिए, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या होगा, धनायन और ऋणायन जो बनेंगे इनमें से धनायन तो ऋणावेश छड़ की तरफ जाएगा, क्योंकि आवेश हमेशा विपरीत आवेश से आकर्षित होता है। धनायन ऋणावेश छड़ से आकर्षित होगा यानी कि कैथोड से, ठीक है ना, और ऋणायन धनावेश छड़ से आकर्षित होगा यानी जो यहाँ एनोड थी, क्योंकि बैटरी से हमने जिस धन टर्मिनल को जोड़ा था वो एनोड था ना, ठीक है ना। तो वहाँ क्या होगा, जब धनायन कैथोड की तरफ जाएगा, कैथोड कैसा था, ऋणावेश, तो वहाँ उसको इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, खुद धनायन है तो इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन लेगा, तो वहाँ क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा और अपचयन हो जाएगा, ठीक है ना। और दूसरे पर इलेक्ट्रॉन त्यागे जाएंगे क्योंकि वो खुद ऋणायन था, धनावेश छड़ तो इसलिए आदान प्रदान तो इलेक्ट्रॉनों का ही होगा, तो जब यहाँ इलेक्ट्रॉन लिए जा रहे हैं तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन त्यागे जाएंगे, ठीक है ना, तो यहाँ पर अपचयन हो जाएगा, ठीक है ना। तो कैथोड पर हो गया अपचयन और एनोड पर हो गया ऑक्सीकरण, ठीक है। इस प्रकार ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया संपन्न होती है और एनोड और कैथोड पर हमें कोई ना कोई रसायन प्राप्त हो जाता है। जैसे वही चीज़ जो हम पढ़ चुके हैं कि गलत NaCl का विद्युत अपघटन करने पर कैथोड पर Na और एनोड पर Cl2 गैस प्राप्त होती है। कैसे प्राप्त हुई, हमने पढ़ा था ये कि जब NaCl का विद्युत अपघटन किया तो Na+ और Cl- बने, कैथोड पर पहुंचेगा Na+, ऋणावेश छड़ पर जाएगा, वहां इसको इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा और सोडियम के रूप में जमा हो जाएगा। इसमें क्या हुआ है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए गए हैं यानी कि अपचयन अभिक्रिया है। यह सेल कौन सी अभिक्रियाओं पर आधारित होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये रिडॉक्स अभिक्रियाओं पर यानी कि ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाओं पर। और ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाएं कौन सी होती हैं, जिनमें आधी अभिक्रिया ऑक्सीकरण की होती है और आधी अभिक्रिया अपचयन की होती है। अब ये देखो, ये आधी अभिक्रिया कौन सी है, अपचयन की, तो इसे हम कहेंगे अपचयन अर्ध अभिक्रिया, रिडक्शन हाफ रिएक्शन यानी कि RHR, ठीक है। अभी जो ऋणायन बनेगा यहाँ, ये कहाँ जाएगा, धनावेश छड़ की तरफ यानी कि एनोड पर, और जब एनोड पर जाएगा तो यहाँ ये इलेक्ट्रॉनों को त्यागेगा, माइनस कर दिए ना, त्यागेगा तो Cl के रूप में बदल जाएगा, Cl का कोई अस्तित्व नहीं होता तो ये Cl2 गैस के रूप में मुक्त हो जाएगी। अब यहाँ क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन त्यागे गए हैं, इलेक्ट्रॉन त्यागना यानी कि ऑक्सीकरण होना, तो ये अभिक्रिया कहलाएगी ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया। और इसको जोड़ दें अगर हम, तो इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन तो कट जाएंगे, 2Na+ प्लस 2HCl- इज इक्वल टू 2NaS प्लस Cl2 गैस, ठीक है ना। इसे कहते हैं नेट सेल रिएक्शन, NCR, ठीक है बच्चों, ठीक है ना। इस तरह से विद्युत अपघटन होता है कि जब भी हम पहले विद्युत अपघटन विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, ठीक है ना, तो यहाँ पहले आयनन होता है, याद रखना। ये सेल कब काम करेगा, विद्युत अपघटन कब होगा, जब पहले हम विद्युत धारा देंगे, यानी यहाँ ये काम जबरदस्ती करवाना है, अपने आप नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि नमक को हमने पानी में घोल दिया और वो अपने आप ही आयनित होने लग गया और अपने आप ही इसमें सोडियम बन गया और Cl2 गैस बन गई। जब तक हम विद्युत धारा नहीं देंगे, जब तक हम इन्हें बैटरी से नहीं जोड़ेंगे, तब तक यहाँ कुछ भी नहीं होगा, ठीक है ना। अब ये हुई सबसे पहली मुख्य अभिक्रिया, लेकिन ये जो विद्युत अपघटन की अभिक्रिया है वो इलेक्ट्रॉनों या विद्युत अपघट्य की प्रकृति पर निर्भर करती है। तो ये जो विद्युत अपघटन की क्रियाविधि है तीन तरीके से संपन्न होती है, ठीक है ना। विद्युत अपघटन की विभिन्न विधियाँ तीन तरीके से संपन्न होती है। पहली विधि है संगलित विद्युत अपघट्य का विद्युत अपघटन, जो अभी अभी मैंने आपको बताया था कि हमने गलित NaCl लिया था, संगलित मतलब पिघला हुआ, गलित NaCl लिया था, NaCl बना तो विद्युत अपघटन विद्युत धारा प्रवाहित की तो उसमें धनायन और ऋणायन बनते हैं, धनायन कैथोड की तरफ जाता है, ऋणायन एनोड की तरफ चला जाता है, वहाँ ऑक्सीकरण और अपचयन हो जाता है, वो वहाँ इकट्ठे हो जाते हैं, ठीक है ना। NaCl के विद्युत अपघटन से हमें कैथोड पर सोडियम और एनोड पर Cl2 गैस प्राप्त होते हैं। तो कितने उत्पाद मिले हमें यहाँ पर, दो उत्पाद,
तीन अभिक्रियाओं में तीन हमें भिन्न भिन्न प्राकृतिक उत्पाद मिलेंगे। इस विधि में दो मिले हैं, एक विधि में हमें तीन उत्पाद मिलेंगे और एक विधि में एक उत्पाद मिलेगा। अब दूसरी विक्रिया विधि देखते हैं हम। वह विद्युत अपघट्य है जिसमें जलीय विलयन का विद्युत अपघटन किया जाता है, यानी NaCl की ही अगर हम बात करेंगे तो वहाँ क्या होगा कि जब हम NaCl को जल में घोल देंगे तो जो विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, तो जैसे NaCl अपने आयनों में टूटता है तो पानी भी तो टूटेगा भाई, H2O के पास भी तो धनायन ऋणायन होते हैं, तो जैसे NaCl H+ और Na+ और Cl- में टूट सकता है तो क्या H2O नहीं टूट सकता, वो भी टूटेगा। तो अब जब ये जल और विद्युत अपघट्य दोनों ही अपने अपने आयनों में आयनित तो होंगे, तो यहाँ पर देखो दो प्रकार के तो धनायन हो गए और दो प्रकार के ही ऋणायन हो गए। अब एनोड और कैथोड तो अपने पास एक ही है, तो इनमें से एक ही एनोड पर जाकर अपचयित हो सकता है और एक एनोड पर जाकर ऑक्सीकृत हो सकता है और एक ही आयन कैथोड पर जाकर अपचयित हो सकता है। अब भैया कौन जाएगा, ठीक है ना, अब इनमें लड़ाई शुरू होगी भाई कि इन दोनों में से एक ही जाएगा, दोनों नहीं जाएंगे, तो भाई जो जीतेगा वही सिकंदर है ना भाई, ठीक है ना। अब यहाँ Na+ और H+ और यहाँ Cl- और OH-, इन दोनों में रेस होगी और इन दोनों में भी रेस होगी, तो भैया हमारी दोनों की मंजिल है क्या, इसको जाना है कैथोड की तरफ, इसको जाना है एनोड की तरफ, तो भैया जो पहले पहुंच जाएगा वो ही जीत जाएगा, यानी इनमें दौड़ लगाएंगे। देखो एक सिंपल सी ट्रिक है ये याद करने की कि भैया जो तेज भाग के चला जाएगा है ना, भाग के तेज भागेगा वो पहले पहुंच जाएगा और जो पहले पहुंच जाएगा वही जीत जाएगा, सीधी सी बात है, रेस में तो यही होता है। तो अब यहाँ देखो छोटी सी ट्रिक कि मोटा आदमी तेज भाग सकता है या पतला आदमी, या कहीं हल्का या भारी, ऑब्वियसली भारी आदमी से तो भागा ही नहीं जाता है ना, हल्का आदमी तेज भाग सकता है। तो यहाँ देखो Na+ और H+ में कौन हल्का है, ऑब्वियसली H+ है ना, इसका परमाणु क्रमांक 1 होता है, इसका परमाणु क्रमांक 11 होता है, तो ये हल्का है, तो कौन पहले पहुंच जाएगा एनोड पर, कैथोड पर, H+, बिल्कुल ठीक, तो H+ पहुंचेगा और इसका कैथोड पर जाने से अपचयन हो जाएगा, ठीक है ना। तो और यहाँ Cl- और OH- में, अब यहाँ तो ये एक ही है अकेला, यहाँ OH दोनों, हालांकि यहाँ देखें तो ये भारी है, इसमें दो हैं ये हल्के हैं, लेकिन हल्के और भारी होने के बाद जैसे अपन करते हैं ना तीन टांग की रेस होती है कि दो साथियों की बिल आपस में मिलकर एक एक टांग को एक एक हाथ को बांध देते फिर उनको भागना होता है, तो यहाँ तो ये दो साथी एक साथ हाथ पकड़ के भाग रहे हैं और यहाँ ये अकेला भाग रहा है, तो सोचो अकेला आदमी तेज भाग सकता है, दो पकड़ के भागेंगे तो तेज भागेंगे, अकेला तेज भागेगा ना, तो बिल्कुल ऐसे ही यहाँ ये Cl- तो तेज भाग जाएगा, OH- पीछे ही रह जाएगा, तो क्या एनोड पर कौन पहुंचेगा, Cl-, ठीक है ना। ये ट्रिक है और 99% ये ट्रिक बिल्कुल सही बैठती है, जो हल्का अकेले के लिए परमाणु है तो हमें हल्का या भारी देखना है, ठीक है ना, और अगर सभी भारी हैं लगभग तो हमें जो ये देखना है कि जो हल्का अकेला है वो पहले भागेगा, जिसमें कई परमाणु उपस्थित होंगे वो धीरे भागेगा, इससे तो अपन पता लगा लेंगे कि कौन सा आयन एनोड या कैथोड पर पहुंचेगा। पर वास्तव में हम ये कहते हैं जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अकॉर्डिंग कहते हैं, विद्युत रासायनिक श्रेणी हमने पढ़ी है उसको वापस यहाँ पढ़ेंगे कि कैथोड पर क्या होता है अपचयन, तो जिसकी अपचयित होने की क्षमता ज़्यादा होगी वो अपचयित होगा, और ऑक्सीकरण एनोड पर ऑक्सीकरण होता है तो जिसकी ऑक्सीकृत होने की क्षमता ज्यादा होगी वो ऑक्सीकृत होगा। तो हम ये कहते हैं कि दो धनायनों में जिसका अपचयन विभव मतलब ताकत या क्षमता ही है, अपचयन विभव ज्यादा होता है वही कैथोड पर पहुंचकर अपचयित हो जाता है। इसी प्रकार दो ऋणायनों में जिसका ऑक्सीकरण विभव ज्यादा होता है वही एनोड पर पहुंचकर ऑक्सीकृत हो जाता है, ठीक है ना। तो अब देखिए Na+ व H+ में H+ का अपचयन विभव ज्यादा होता है अतः यह कैथोड पर पहुंचकर अपचयित हो जाता है और H2 गैस बना लेता है। इसी प्रकार Cl- और OH- में Cl- का ऑक्सीकरण विभव ज्यादा होता है तो यह एनोड पर पहुंचकर Cl2 गैस के रूप में परिवर्तित हो जाता है, एवं विद्युत अपघट्य में Na+ और OH- परस्पर मिलकर NaOH बना लेते हैं। तो देखो तीन उत्पाद मिल गए यहाँ पर हमें, कैथोड पर मिलेगी H2 गैस, एनोड पर मिलेगी Cl2 गैस, और जो विद्युत अपघट्य था उसमें क्या मिलेगा, उसमें मिलेगा हमें NaOH, तीन उत्पाद प्राप्त होंगे, ठीक है ना। तो देखिए कैथोड पर हाइड्रोजन ने दो इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए H2 गैस बना ली, ये हो गई RHR, एनोड पर Cl- ने दो इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए बना लिया Cl2 गैस, OHR हो गई, ठीक है ना। और यहाँ ये जो अपनी रिएक्शन थी इन दोनों को अगर हम आपस में जोड़ दें तो H+ तो बन गए H2 में, Cl- बन गए Cl2 में, Na+ और OH बच गए, तो कुल रिएक्शन क्या हो गई, NaCl+ H2O इज इक्वल टू NaOH+ H2+ Cl2, तीन उत्पाद प्राप्त होते हैं, ठीक है ना बच्चों, समझ में आ रहा है ना। इलेक्ट्रोड वही है यहाँ भी,
सेम वो अक्रिय पीट प्लैटिनम के इलेक्ट्रोड लिए हैं जो हमने संगलित या गलित विद्युत अपघट्य के लिए लिए थे, वही इलेक्ट्रोड हमने यहाँ लिए हैं जब हमने गलित की जगह पर उसका जलीय विलयन लिया था। लेकिन जलीय विलयन में जल उपस्थित हो जाने के कारण एक नया कॉम्पिटिशन उत्पन्न हो गया कि कौन सा पहले पहुँचेगा, इसलिए उत्पादों की संख्या हो गई 3। समझ में आ गई ना चीज़? ठीक है ना। अब हम देखते हैं तीसरी विधि, जिसमें हम क्या करेंगे, विद्युत अपघट्य का जलीय विलयन तो है लेकिन जो इलेक्ट्रोड है उनकी प्रकृति बदल दी। अब यहाँ इलेक्ट्रोड हम अक्रिय प्रकार के लें या नहीं लें, लेकिन यहाँ ये यह हो सकता है कि जो इलेक्ट्रोड लेंगे वो उसी धातु आयन का लेंगे जिसका विद्युत अपघट्य है। जैसे ZnSO4 का विलयन लिया है तो Zn के इलेक्ट्रोड ले लें दोनों, ठीक है ना। और अगर CuSO4 का विलयन लिया है तो Cu के इलेक्ट्रोड ले लें। AgNO3 का विलयन लिया है तो Ag के इलेक्ट्रोड ले लें, ठीक है ना, दोनों ही चीज़ें। लेकिन अगर यहाँ देखो, अब यहाँ दो ही चीज़ें हैं कि हमने समान जो एक ही धातु के इलेक्ट्रोड ले रहे हैं, उन एक ही धातु के इलेक्ट्रोडों की अगर हम सांद्रता कम ज़्यादा कर दें या उनकी प्रतिशत मात्रा कम ज़्यादा कर दें तो विद्युत अपघट्य के जो उत्पाद होते हैं वो परिवर्तित हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? देखिए, जब किसी विद्युत अपघट्य के जलीय विलयन में उसी धातु की समान शुद्धता वाली छड़ इलेक्ट्रोड के रूप में प्रयुक्त की जाती है, मान लीजिए Cu की छड़ हमने ली, तो दोनों Cu एक ही प्रकार के हैं, दोनों जो छड़ें उनकी सांद्रता समान है, उनमें Cu की प्रतिशत मात्रा बराबर है, तो क्या होगा, कैथोड पर तो सदैव धातु ही प्राप्त होगी, यानी वहाँ हाइड्रोजन नहीं पहुँच पाएगी। लेकिन एनोड पर वही प्रक्रिया होगी कि जिसका ऑक्सीकरण विभव ज़्यादा होगा वही विसर्जित हो जाएगा। जैसे देखो, CuSO4 के विलयन में Cu के इलेक्ट्रोड डुबोकर विद्युत अपघटन करवाते हैं तो कैथोड पर तो Cu गैस, Cu ठोस ही प्राप्त होता है, ठीक है ना, Cu धातु बन प्राप्त होती है, लेकिन एनोड पर O2 गैस प्राप्त होती है और H2SO4 शेष रह जाता है। वही तीन उत्पाद हो गए यहाँ भी, ठीक है ना। देखो, यहाँ CuSO4 का अपघटन होगा तो Cu+2 और SO4-2 बनेंगे, H2O का अपघटन होगा तो H+ और OH- बनेंगे। अब यहाँ कॉम्पिटिशन तो होना था किस किस में, Cu+2 में और H+ में, ठीक है ना। लेकिन यहाँ उसी धातु के विलयन छड़ है तो ये इलेक्ट्रोड हमेशा, ये जो छड़ है हमेशा इसी की जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ Cu धातु ही अवक्षेपित होगी कैथोड पर, और यहाँ पर जो एनायन है, जो ऋणायन है, यहाँ तो OH- बचेगा, यहाँ पर SO4- बचेगा। अब यहाँ देखो आप, OH- में 2 परमाणु हैं, SO4-2 में 5 परमाणु हैं, कौन तेज भागेंगे, बिल्कुल OH- तेज भागेंगे। तो OH- का जब ऑक्सीकरण होगा तो वहां क्या करेगा, ऑक्सीकरण का मतलब इलेक्ट्रॉन त्यागना है ना, या हाइड्रोजन का त्यागना भी, तो वहां ये अपनी हाइड्रोजन को त्याग देंगे और O2 के रूप में ऑक्सीकृत हो जाएंगे। तो हमें एनोड पर मिलेगा O2 गैस, कैथोड पर मिलेगी Cu धातु, और विलयन में क्या रह गया, ये हाइड्रोजन और ये सल्फेट, तो हमें H2SO4 का जलीय विलयन प्राप्त हो जाता है, ठीक है ना। कब, जब हमने क्या क्या किया था कि दोनों धातु की छड़ कैसी ली थी, समान शुद्धता वाली। लेकिन अगर इनकी शुद्धता को असमान कर दें, यानी एक में तो Cu की मात्रा ज़्यादा है, दूसरे में Cu की मात्रा कम है, तो हमें एनोड पर कुछ नहीं मिलेगा, केवल कैथोड पर ही हमें धातु प्राप्त होती चली जाएगी। तो देखिए, अगर इसका दूसरा पैटर्न क्या हो सकता है कि जब किसी विद्युत अपघट्य के जलीय विलयन में उसी धातु की असमान प्रतिशतता वाली, यानी कि एक शुद्ध और एक अशुद्ध छड़ को इलेक्ट्रोड के रूप में प्रयुक्त करते हैं तो हमेशा शुद्ध धातु को तो कैथोड बनाते हैं और अशुद्ध धातु की छड़ को एनोड बनाते हैं। याद रखनी है ये चीज़ें, मैंने उसी कलर को यूज़ किया है ताकि आप एक बार में पहचान जाएं, कैथोड को मैंने पिंक कलर से ही दिखाया है और एनोड को मैंने ग्रीन शेड से ही दिखाया है, ठीक है ना। तो शुद्ध धातु की छड़ क्या होगी, कैथोड, और अशुद्ध धातु की छड़ क्या बनेगी, हमेशा एनोड। और इस विधि में शुद्ध धातु तो कैथोड पर एकत्रित होती जाएगी, याद रखना है, लेकिन एनोड पर हमें कुछ नहीं मिलेगा, केवल एनोड विद्युत अपघट्य में घुलता जाएगा। और एनोड कैसा था, अशुद्ध था, इसका मतलब उसमें धातु के साथ कुछ अशुद्धियां भी मौजूद थी, तो वो अशुद्धियां क्या होंगी, उस एनोड के नीचे एनोड पंख के रूप में एकत्रित होती जाती हैं, ठीक है ना। जैसे CuSO4 के जलीय विलयन में शुद्ध Cu का पतला तार कैथोड के रूप में और अशुद्ध Cu की छड़ मोटी छड़ एनोड के रूप में लेकर जब विद्युत अपघटन करवाते हैं तो Cu छड़ तो कैथोड पर एकत्रित होती जाती है और एनोड घुलता जाता है और सारी अशुद्धियां एनोड पंख के रूप में एकत्रित हो जाती हैं। तो कैथोड पर तो होगी Cu+2, दो इलेक्ट्रॉनों को लेकर जमा होता जाएगा, और एनोड पर क्या होगा, Cu जो है वो अपचयित ऑक्सीकृत होता जाएगा Cu+2 के रूप में, और Cu+2 के रूप में विलयन में जाता जाएगा, और विलयन से फिर वापस ये ऐसा लगेगा कि एक छड़ से Cu+2 विलयन में घुल रहा है और दूसरी छड़ पर जाकर एकत्रित तो होता जा रहा है, यानी विद्युत अपघट्य वहां जो भी है वो केवल और केवल एक माध्यम का या एक पाथ या एक रास्ता प्रदान कर रहा है,
ठीक है ना बच्चों, समझ में आ गया। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, एनोड पंख क्या है, ठीक है ना, क्या होगा जब हम CuSO4 का अपघटन समान प्रतिशतता वाली CU की छड़ की उपस्थिति में करेंगे, या क्या होता है जब NaCl के जलीय विलयन का विद्युत अपघटन कराया जाता है, या क्या होता है जब AgCl के जलीय विलयन का विद्युत अपघटन कराया जाता है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन, सेम पैटर्न है। क्या होता है जब CuSO4 का जल अपघटन विद्युत अपघटन करवाने के लिए हम दो भिन्न प्रतिशतताओं वाली CU की छड़ों का उपयोग करते हैं। इस तरीके के कुछ क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। तो ये हो गई विद्युत अपघटन की क्रियाविधियाँ और विद्युत अपघट्य क्या होते हैं। थैंक यू।